अपर सत्र न्यायाधीश एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में माफिया मुक्ता अंसारी पर लगे गैंगस्टर के मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। यह फैसला शनिवार को ही आने वाला था। वर्ष 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिल देव सिंह हत्याकांड और मोहम्मदाबाद के मीर हसन हत्याकांड के प्रयास की साजिश के मामले में गैंग चार्ट में शामिल मोहम्मदाबाद पुलिस ने मुक्ता अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। कपिल देव सिंह हत्याकांड में मुक्ता अंसारी पहले ही बरी हो चुकी, वहीं मीर हसन हत्या के प्रयास के मामले में बीते 17 मई को बरी हो चुका है। आज इसी मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि एम्बुलेंस का फर्जी पंजीकरण जिले से कराए जाने को लेकर दर्ज गैंगस्टर के मामले में मुक्ता अंसारी व उसके गैंग के आरोपित पर शुक्रवार को अदालत में एक आरोपित के गैर हाजिर होने के कारण आरोप विचलित नहीं हो सका। अपर सत्र न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट कमलकांत श्रीवास्तव ने अब आरोप विचलित के लिए 22 जून की तारीख निर्धारित की है। शुक्रवार को मुक्ता अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए और 11 अन्य आरोपित अदालत में पेश हुए। इनमें एक आरोपित अफरोज अनुपस्थित रहा। अन्य आरोपितों को सुबह 10:30 बजे स्वयं उपस्थित होना होगा। मुक्ता अंसारी उसके कुनबे की 23 बेनामी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, जिसे लेकर जांच चल रही है। आयकर ने बीते गाजीपुर में लगभग 12 करोड़ रुपए की एक बेनामी संपत्ति को जब्त कर लिया था।